सर, एक महीने पहले मेरा गौना हुआ है। छुट्टी नहीं मिलने के चलते पत्नी नाराज है, बार बार कॉल काट दे रही है, ज्यादा फोन करने पर माँ को पकड़ा देती है, इसलिए मुझे 7 दिनों की छुट्टी दे दें। लीव एप्लीकेशन में ये दर्द है यूपी पुलिस के सिपाही गौरव चौधरी का। गौरव अभी महाराजगंज जिले में तैनात है। नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी होने के चलते उनको छुट्टी मिलने में दिक्कत आती है। 2016 में गौरव चौधरी की यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी। उसकी तैनाती नौतनवा थाना क्षेत्र में पीआरवी पर है। सिपाही ने अपर पुलिस अधीक्षक से एप्लीकेशन पर छुट्टी मांगी है। इसमें उसने अपने गौना और पत्नी की नाराजगी का जिक्र किया है। सिपाही गौरव ने छुट्टी की दरख्वास्त करते हुए लिखा है, मेरा पिछले माह गौना हुआ है। विदाई के बाद मैं पत्नी को घर पर छोड़कर ड्यूटी चला आया। अब छुट्टी नहीं मिल रही है, इससे पत्नी बेहद नाराज है, कॉल तक रिसीव नहीं कर रही। सिर्फ यही नहीं, लीव एप्लीकेशन में पत्नी से किए वादे को भी सिपाही ने जिक्र किया। गौरव ने लिखा है कि मैंने पत्नी को वादा किया था कि भतीजे के जन्मदिन पर 10 जनवरी को घर आऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि 10 जनवरी से लेकर 7 दिनों तक कैजुअल लीव अप्रूव करने की कृपा करें, आपका आभारी रहूंगा। इस प्रेम और वियोग के रस में डूबे लीव एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि सिपाही के बड़े साहब ने उसे छुट्टी दी या नहीं, लेकिन भला ये प्रार्थना ठुकराने का पाप कौन करता। तो लीव एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद अधिकारी ने गौरव को 5 दिनों की छुट्टी दे दी। एएसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनकी जरूरत के मुताबिक लीव दी जाती है। इस बात का भी ध्यान किया जाता है कि लीव के चलते शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो पाए, यानी स्टाफ ज्यादा कम ना हो पाए। सिपाही गौरव की लीव एप्लीकेशन पर 5 दिनों की छुट्टी मंजूर की गई है, लेकिन इसी दौरान इस एप्लीकेशन की किसी ने फोटो ले ली और अब ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि लीव एप्लीकेशन और छुट्टी तो सिपाही का दर्द फौरी इलाज भर है। परमानेंट दिक्कत दूर करने के लिए सिपाही गौरव ने लीव एप्लीकेशन के बाद आईजी साहब को चिट्ठी लिखकर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी की है। आईजी को जो लेटर लिखा है उसमें गौरव ने कहा है कि मैं वर्तमान में नौतनवा थाने पर पीआरवी में तैनात हूं। मेरा गृह जनपद मऊ है, मेरे 2 भाई हैं, एक सब इंस्पेक्टर जो चंदौली में तैनात है, दूसरा भाई टीचर है जो गाजीपुर में तैनात है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके इलाज के लिए बार बार मुझे 220 किलोमीटर दूर घर जाना पड़ता है, इसमें बेहद परेशानी होती है। अगर मेरा ट्रांसफर आजमगढ़ कर दिया जाए तो मैं अपनी माँ का सही से इलाज करा पाऊंगा। इस छुट्टी से यह भी पता चल रहा है कि सिपाही की 5 दिन की छुट्टी में 500 किलोमीटर की यात्रा भी शामिल है। स्पेशल डेस्क, ओनली भारत।